सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की झलकती झांझर, हाथों की ठनकती चंदन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मैं तो सोच सोच के डर रही हूँ कि अगर कहीं तुषार जी वहां नहीं आते तो क्या होता। बेचारा समीर, मैं तो अभी तक सोच रही हूँ कि आखिर विद्या करना क्या चाह रही थी। अरे कहते हैं कि डायन भी सात घर छोड़ के वार करती है, और यहाँ माँ मुझे लगता है हमें लौट जाना चाहिए। इन हालात में अब किसका दिल लगेगा यहाँ रहने के लिए। हम यहाँ आए थे कि चार दिन शहर की बागडोर से दूर मन को शांति मिलेगी, लेकिन इस हादसे ने तो और भी डिस्टर्ब कर लिया। हादसा नहीं था चीजा जी, हादसा नहीं था। अब तो इस सच को स्वीकार कीजिए आप, कब तक सच से आंखें मोड़ते रहेंगे। एक बार नहीं, बार बार यही हो रहा है मेरे बच्चे के साथ। शायद आप लोगों के लिए इत्तेफाकन हादसे होंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। सच पूछिए तो आप अपने बच्चे को इस घर में अकेला छोड़ने का हौसला नहीं कर सकते। अभी तो मैं इसके साथ यहाँ हूँ तो ये हाल है, अगर कल को मैं चली गई तो क्या होगा मेरे बच्चे के साथ। जवाब दीजिए। शुक्र है पहली बार मेरे विद्या भगत पति पर कोई असर हुआ है। शाबाश सुरीली। मौके का फायदा उठाने की कोशिश मत करो सुरीली। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि रोने धोने का नाटक करके तुम हमारे घर में अपनी इच्छा क्या बनाने की फिराक में। लेकिन एक बात कान खोल कर सुनो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। कभी तो मेरी बात को सच समझिए सिंदूरा, आप भी तो एक माँ है ना। भगवान ना करे अगर ऐसा कुछ आपके बच्चे के साथ होता तो। सिंदूरा सुरीली ठीक कह रही है, उसका डर बिल्कुल जायज है। अभी जो कुछ हुआ, जिस तरीके के हालात बने, ऐसे में कोई भी माँ अपने बच्चे को दूसरी औरत के हाथों में नहीं सौंप सकती। मेरा तो मानना है कि हमें सुरीली को कुछ और दिन रहने देना चाहिए। सारा दोष विद्या का है, उसी के वजह से हम आज तक सुरीली को सह रहे हैं। विद्या की इस हरकत के वजह से हमें तो तुम भी देवी लगने लगी हो। सिंदूरा प्लीज, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। अनिकेत, इतनी अजीब बात भी नहीं कर रही मैं, शायद आप भूल रहे हैं, लेकिन सागर ने खुद अपनी आंखों से इस औरत को वहां देखा है।
हम पर भरोसा नहीं है जिया जी। वो बात नहीं है विद्या, जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, अच्छा यही होगा कि सुरली ही समीर को संभाले। यकीन नहीं रहा। हमें आप पर पूरा विश्वास है भाभी, मगर दद्दा जो ये इतना यकीन से कह रहे हैं कि उन्होंने आपको ही देखा है, तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। बस एक बार हम उस वजह को ढूंढ निकालें, फिर सबका विश्वास तो हम हासिल कर ही लेंगे। मगर भाभी उलझन ये है कि हम शुरुआत कहां से करें? कोई छोटा मोटा सबूत भी मिल जाता तो। यार, हमें ये तो नहीं पता कि ये बात कुछ साबित कर सकती है या नहीं, मगर हमें कुछ मिला है जो शायद इस बात पर कुछ रोशनी डाल सके। बाज लड़का है, हाय एवरीबॉडी, हाय, हाउ आर यू डूइंग सागर? गुड, हाउ आर यू? तुम कहीं जा रहे हो सर? या जीजू, मेरा तो यहाँ काम खत्म हो गया है, तो बस निकल ही रहा था, सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। तुम कहाँ जा रहे हो तुषार? मेरी कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली में है सागर, तो अब वहीं जाऊंगा, और ये प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स भी तो तैयार करनी है, शायद कुछ दिनों वहीं रहना पड़े। बाय द वे जीजू, मुझे आपसे जरा मदद चाहिए थी। ऑफ कोर्स। अब पता नहीं दिल्ली में कितने दिन रुकना पड़ जाए, तो एक छोटा सा घर भी लेना होगा। अगर आप किसी एस्टेट एजेंट को जानते हैं तो प्लीज जरा बात कर लीजिएगा। तुम दिल्ली में रहोगे? या तो घर के बाहर क्यों रहोगे? फूल डम्बो मेरा घर है ना, तो मेरे घर में रहना क्यों जीजू? हाँ भाई, जब अपना घर हो तो किराए के घर में क्यों रहोगे? अरे नहीं नहीं जीजू, नहीं नहीं, सागर बिल्कुल ठीक कर रहा है। हाँ, तो हमारे साथ ही रहोगे? वैसे हम लोग अभी निकलने ही वाले थे, हम लोग सब साथ चलते हैं। नहीं, सब लोग इतने प्यार से कह रहे तो मान भी चाहिए ना। ठीक है, मान जाऊंगा, पर एक शर्त है। कैसी शर्त? आपको अपने हाथों से बनारसी पकवान बनाकर मुझे खिलाना होगा। खिलाएंगे ना आप? अरे भैया, ये शर्त हुई, ये तो मेरा फर्ज होगा। ये मम्मा को क्या हो गया? ये तो ऐसे शर्मा रही है जैसे शाहरुख को देखकर काजल शर्माती थी। तुम रहोगे हमारे साथ? श्योर बडी, एनीथिंग फॉर यू। तब तो बहुत मजा आएगा। ये दो सूटकेसेस यहीं रहने दीजिए, वो आगे रखिएगा प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। अरे वो तीन देवियों का सामान नहीं आया ना अब तक। खुद ही जाना पड़ेगा। मेरा काम करो,
तेरा विद्या और चीनू के तो सामान ले आए, चलो साथ में चलते। इस साड़ी को देखकर अब कोई संशय नहीं रहा है कि ये किसी धूर्त दिमाग की साजिश है, वरना आपकी साड़ी जैसी दूसरी साड़ी वहां कैसे आ गई? भाभी आप ठीक कह रही थी, दद्दा ने दूसरे सिर्फ इस साड़ी को देखा है और वो ये मानकर बैठे कि वो आप थी, जबकि साड़ी किसी और ने पहनी हुई थी। लेकिन हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये साड़ी वहां जंगल में क्यों पड़ी हुई थी। इस बात का जवाब शायद है मेरे पास। आप लोग चलिए मेरे साथ। सागर ने सब कुछ उधर दूर से देखा था। अंदाजन तकरीबन वहां से। और उधर से उसने सिर्फ ये देखा कि किसी ने समीर को कश्ती में बिठाया और फिर कश्ती को धकेल दिया। वहां से वो उस शख्स की सिर्फ पीठ देख सकता है, मगर ये साड़ी देखकर उसने ये मान लिया कि वो विद्या ही है। इतने में वो शख्स, जिसने समीर को कश्ती में बिठाया था, जल्दी से भागकर इधर जंगल की ओर निकल गया होगा और साड़ी वहीं फेंक दी होगी, ताकि बाद में मौका मिलते ही आए और उसे वहां से गायब कर दे। इस वक्त भैया हम नहीं जानते कि इस बात का इससे कोई संबंध है या नहीं, पर कल रात को हमने सुरीली जी को देखा था जंगल में। सुरीली को देखा? सुरीली, उस लड़की पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। वो सुधर ही नहीं सकती, मैं अच्छे से जानता हूं उसे। पर अब तो आपके बताने के बाद मुझे पूरा यकीन हो चला है कि वो लड़की कोई और नहीं, सुरीली ही थी। आपकी साड़ी पहनकर उसने ये सब कुछ किया और फिर जल्दी से भागकर बाकी परिवार वालों के सामने पहुंच गई, ताकि उन्हें किसी तरह का शक ना हो। यस, यस। और रात को जब आपने उसे देखा था, वो वही साड़ी ढूंढने आई थी वहां पर। नहीं नहीं सुरीली जी, वो समीर के साथ ऐसा क्यों करेंगी? उनका उनका खुद का बच्चा है वो। भाभी, ये लड़की सुरीली है, और मेहरबानी करके आप सबको अपनी तरह समझना छोड़ दीजिए। ये काम सुरीली का ही था। भैया, एक माँ पर तो इस तरह से इल्जाम मत लगाइए आप। कुछ भी हो जाए, एक माँ अपनी संतान के साथ ऐसा नहीं कर सकती। और फिर सुरीली जी, भला वो समीर को इस तरह से खतरे में क्यों डालने लगी? हम ये जानते हैं कि हमारी जैसी साड़ी पहनकर किसी ने तो धक्का दिया था समीर को पानी में। वो कौन था ये हम नहीं जानते, और आपसे भी हमारा यही निवेदन है कि आप इस तरह से दोष मत लगाइए किसी पर, ऐसी जल्दबाजी मत कीजिए। भाभी, आप चाहे जो कुछ भी करें, हमें पूरा विश्वास हो गया है कि वो लड़की सुरीली ही थी, ये काम सुरीली का ही है। आप लोग मेरी बात सुनिए प्लीज। इस तरह बहस करके हम किसी नतीजे पर पहुंचने से तो रहे। हमारा शक सही है या गलत, इसे पता लगाने के और कई तरीके हैं। इनफैक्ट अगर आप लोगों को मंजूर है तो मेरे पास एक सिंपल सा आइडिया है।
वो भी किसी पर बगैर इल्जाम लगाए। तुषार जी, आप हमारी सहायता करना चाहते हैं इस बात का सम्मान करते हैं हम, मगर हम अपनी परेशानियां आप पर नहीं लादना चाहते। मुश्किल हमारी है ना, हम इन्हें सह लेंगे। और वैसे भी आप हमें जानते ही कितना है, और आप भी भला हम पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? विद्या, जिस पल मुझे पता चला था कि आप सागर की पत्नी हैं, उसी पल आप पर मेरा यकीन बन गया था। आज सागर जिस हालत में है, उसमें सिर्फ एक ईमानदार और दिलेर लड़की ही उससे शादी कर सकती थी। और फिर मैंने ये जिंदगी यूं ही पहाड़ों में ट्रेकिंग करते हुए नहीं गुजारी। इंसान को परखना जानता हूं, और मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप बेगुनाह हैं। कोई आप पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा है, और सागर की पत्नी होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी मदद करूं। मगर तुषार जी, हम नहीं चाहते कि आप। विद्या, प्लीज प्लीज ना मत बोलिएगा। देखिए, अपने दोस्त की तो मैं मदद नहीं कर सका। जब उसे मेरी जरूरत थी, तब मैं दूर देश में बैठा था। वो मेरी मजबूरी थी कि मैं उसकी मदद नहीं कर सका। लेकिन अब दोस्त के पत्नी की मदद करने का मौका तो मत गंवाने दीजिए मुझे, प्लीज। तुषार जी, हम आपका। विद्या, प्लीज, कम ऑन, फॉर गॉड्स सेक, मैं आपके दादा की उम्र का नहीं हूँ। मुझे सिर्फ तुषार कहिए, ये तुषार जी नहीं। जी तुषार जी। अब फिर ठीक है विद्या जी। जी हम कोशिश करेंगे तुषार जी। तुषार बेटा। सुनिए, आइए आप खाना खा लीजिए। मुझे नहीं खाना। देखिए तो सही, हमने आपकी पसंद की खीर और पूड़ी बनाई है। देखिए तो सही। आप अगर हमसे बात नहीं करना चाहते तो आप मत कीजिए। हम जानते कि आप हमारी कोई बात सुनना भी नहीं चाहते, तो हम कुछ नहीं कहेंगे अपनी सफाई में। हम अपना वादा निभाएंगे, मगर ऐसे खाना पीना छोड़कर अपने आप को ऐसे कष्ट मत दीजिए, अपनी सेहत मत खराब कीजिए। आपको दवाई खानी पड़ती है ना, तो खाना खाना बहुत ज़रूरी है ना आपके लिए। लीजिए। मुझे नहीं खाना। इन्होंने तो कुछ खाया भी नहीं अभी तक। ये भी ना,
ठीक है, अब हम बाहर ही जाते हैं, हो सकता है खा लें बाद में। मिस्टर इंडिया विद्या को क्यों बुला रहा था? चुपचाप बुला रहा था। ये चुप तैयार हो गए तो सबको समझ आ गया ना करना क्या है। गुड, मगर एक बात का ख्याल रखिएगा, ये बात सिर्फ हम चारों के बीच में ही रहनी चाहिए और किसी को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। चार नहीं तुषार अंकल, पांच। पांच? समीर, विद्या मम्मी के वानर सेना का सेनापति। ये क्या हो रहा है?